चलो मीडियन देख लेते हैं हम लोग फिर एकदम स्पीडली। मीडियन ठीक है, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, बीच का। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर डाटा रहेगा और इस प्रॉपर डाटा में हम लोग कौन सा देखेंगे, एक बीच की वैल्यू देखेंगे, एक मिड वैल्यू देखेंगे। ठीक है, एक मिड वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक, ये भी एक क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है भाई, ठीक, तो इसको बोलेंगे मीडियन। तो ये प्रॉपर डाटा को मैंने यहाँ पे प्रॉपर अरेंज किया है। ठीक है, हाँ, और एक बीच का वैल्यू मैंने उठाया और इसको मैं बोल रहा हूँ मीडियन। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, एकदम बेसिक। ठीक है, ओके। अब मेरे को अगर डाटा दिया हुआ है, मुझे एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल केस में, तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो हमारे पास डाटा दिया है। ठीक, अब जो डाटा इंडिविजुअल केस में वो काउंटेबल होता है नॉर्मल 1 2 3 4 5, है ना, ओके। तो अगर वो जो एन है, ठीक है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो वो जो एन है अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, वो होगा एग्जैक्टली एन प्लस वन डिवाइड बाई टूथ टर्म। ठीक है भाई, ठीक है, एन प्लस वन डिवाइड बाई टूथ टर्म, ये आपका मीडियन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग, 5 2 9 3 11, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक बन कर लेते हैं, ऑड नंबर हाँ 13, और एक और ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। चलो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, ओके। तो हमारे पास क्या है, 7 नंबर्स है, और 7 आजकल क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, ये 7 और ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको ऐसा इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो बेसिकली तुम लोग क्या करना, असेंडिंग में ही करना, प्रॉपर एकदम बेहतरीन, दोनों में ऐसे आंसर आता है, बट एक प्रॉपर फिक्स्ड असेंडिंग में ही करो, है ना, एक दिमाग में बैठाओ कि असेंडिंग में ही करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अपन असेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे किया मैंने 2 3 5 9 11 13 एंड 15, ठीक है, हाँ, तो 7 है हमारे पास, तो इसका जो मीडियन होगा, मीडियन मीडियन आपका जो होगा वो क्या होगा, 7 प्लस 1, ठीक है, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ टर्म। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई टूथ टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म होगा, तो यहां से काउंट करो 1 2 3, और ये आपके होगा फोर्थ टर्म। समझे कि नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा बेसिक सबसे पहला मीडियन का है ना, इंडिविजुअल केस के लिए है, जिसमें हम लोग को एंड जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ऑड मिला है। ठीक है, एकदम क्लियर है, चलो ठीक है। ठीक, अगर एन की जो वैल्यू है, अगर एन की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, तब कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन अप, हाँ, तो इसको बहुत सारे लोग दो तरीके, दोनों तरीके, दो तरीके से फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके बता देता हूँ, एन अपॉन टू प्लस वन भी करते हैं, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली एन प्लस टू होल डिवाइड बाई टूथ टर्म। ठीक है, हाँ, अब इसका प्रॉपर पूरा एवरेज ना, तो होल डिवाइडेड बाई टू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो प्रीवियस डाटा पर लेते हैं, 2 3 5 9 11 13 15, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, टू थ्री फाइव नाइन इलेवन थर्टीन 15 और एक 18 कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितना है भाई, 8, ठीक है, और 8 आजकल क्या है, इवन नंबर है। अच्छा, आजकल ऑड है क्या, पहले इवन, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, हाँ, तो मीडियन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, मीडियन, ओके, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म,
पहला केस जस्ट मैंने फॉर्मूला में पुट किया, ठीक है ओके, जस्ट मैंने फॉर्मूला में पुट किया 8 डिवाइड बाय 2th टर्म प्लस 8 प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2th टर्म, है ना, होल डिवाइड बाय 2, क्लियर है भाई। हाँ तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 4th टर्म हो जाएगा ये, है ना, 4th टर्म प्लस 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2 5th टर्म होल डिवाइड बाय 2। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 9 अपना 4th टर्म है ना, और 5th कौन सा टर्म है 11 होल डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो 9 प्लस 11 कितना हो गया 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, ठीक है। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा 10, एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, चलो इतना लिखो यार, पहले दिमाग भी चलेगा लिख लीजिए। अपने को ना एक प्रॉपर अगर कंटिन्यू करते हो तुम लोग प्रॉपर, ठीक है, तो अभी तो डेमो क्लास चल रही है ना, है ना, तो अगर कंटिन्यू प्रॉपर करोगे ना तो प्रॉपर फॉर्मूला कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी दिखा रहे प्लीज, यहाँ पे इस तरीके से जैसे प्रॉपर ही बना हुआ है, ये तो पूरा एक एक कॉपी बना दी है, कुछ लोग जैसे कि अपने अपने तरीके से बनाते हैं इस डेटा प्रॉपर अलग से और ऐसा ऐसा करके, है ना, तो जैसे कि बनाइए मिजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रॉपर फॉर्मूला कॉपी, तो कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ना जितना मैं यहाँ पे भी बताया हूँ उतना ही है बस, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे अपन, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या पता नहीं चलता, लेकिन ये क्या एक दिन का छुट्टी मिल जाता है कई बार ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी से बनाएंगे तो पूरा दिमाग में छप जाता है, ठीक है। लो पकड़ो यार, राशि के दिमाग में छप पता कि नहीं, सॉरी यार राशि के, हाँ हाँ मैथ बिगड़ गया एकदम खतरनाक वे में, उतना हार्ड नहीं आया था लेकिन पेपर, टाइम का क्या, हाँ ठीक है, अभी एक से दो दिन ना पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद एक साथ अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और क्योंकि पूरे क्वेश्चन एक साथ है मिक्स्ड है ना, सब प्रॉपर क्लियर होगा। और चलो ठीक, इतना क्लियर हुआ। हाँ ये कब के लिए था, जब इंडिविजुअल सीरीज हमको दिया हुआ है तब के लिए था, पूरा दिमाग में बैठा लो, इतना इजी क्वेश्चन भी दे सकता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है, जिसको तुम लोग को बड़ा मुश्किल से 5 सेकंड में समथिंग बनाना है तुमको, है ना। चलो ओके, अब जब फ्रीक्वेंसी का केस दे देगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, सेकंड केस डिस्क्रीट केस, ठीक है। और जब भी फ्रीक्वेंसी का केस दे देगा, जस्ट सपोज करो मैं थोड़ा एग्जांपल एक बता देता हूँ छोटा सा, क्या क्या था भाई, 6 5 4 कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी हम लोग कुछ भी ले लेते हैं 3 9 6 कर लो, ठीक है, इतना कर लिया मैंने, ठीक है। जब भी मेरे को फ्रीक्वेंसी वाला केस दिया हुआ है और साथ में मुझे इस तरीके से डाटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, तब मुझे मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, जिसको जनरली सीएफ बोलते हैं। और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग थ्योरी में और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, थ्री जैसे कि यहाँ पे दिया, थ्री को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जब दूसरा फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं तो क्या करूंगा, थ्री को नाइन के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। थ्री को नाइन के साथ ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व। फिर अब नेक्स्ट केस में आऊंगा, ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन, क्लियर है एकदम, ठीक है ओके। तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाला जो अपना फ्रीक्वेंसी है ना टोटल, वो आपको देता है एन, टोटल समेशन एफ, ठीक है क्लियर है एकदम क्लियर ओके। हाँ अब इसका मेरे को मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, मतलब टूथ टर्म अपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, अब कर लेते हैं इसको, 18 प्लस वन डिवाइड बाई टू, कहाँ डिवाइड करने में कितना आ रहा है भाई, 9.5 ओके, ठीक है 9.5, ठीक है। तो ये जो 9.5 कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हम लोग, 9.5 कहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, 3 के अंदर तो आ नहीं सकता 9.5, तो कहाँ पे आ रहा है, 12 के इनसाइड में आ जाएगा 9.5, ठीक है। हाँ तो ये जो 12 के इनसाइड में आया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो इसका जो ये एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है ये जो 5, यही हमारा क्या है, मीडियन है। कोई दिक्कत की बात, एकदम क्लियर समझ में आया, ये कब की बात है, जब हम लोग को एक्स के साथ क्या दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तब हमको यही चीज करना है, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी दिया होगा तुम्हारा और बोलेगा मीडियन हमको निकालना है, यार गड़बड़ हो गया क्या, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, अरे हो रहा है ना, ठीक है ओके। तो इस डिस्क्रीट केस के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी साथ में दिया रहेगा, है ना, और साथ में यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो तुरंत अगर मीडियन निकालना है और डिस्क्रीट केस है तो तुरंत दिमाग चलना चाहिए, क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बेसिक फॉर्मूला एन प्लस वन डिवाइड बाय टूथ टर्म, फिर हम लोग देखेंगे 1.5 कहाँ पे ड्रॉप कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, एकदम क्लियर है एकदम ओके है, चलो क्या बात। तो 18 प्लस 1 ही तो लिया हीरो, अच्छा 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 लास्ट टर्म, हाँ जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही लेंगे, हाँ वो समेशन, हाँ ये एन जो है ना सम ऑफ एफ ही लेना है अपने को हर बार, ठीक है। जो लास्ट अपना सम टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे वो ही लेना है अपने को, ठीक है चलो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये अपना फॉर्मूला है ना भाई, ध्यान देंगे इसका, ये वाला फॉर्मूला हमारा ये है ना, चलो। अब उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला एकदम बेहतरीन है, ठीक है मीडियन, ठीक है मीडियन इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है चलो। तो एल क्या है, लोअर लिमिट, ठीक है ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल नहीं यार, मीडियन क्लास, ठीक है मीडियन क्लास, ठीक है। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है, सी एफ दिख रहे क्या, मीडियन क्लास, ठीक है। और सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हाँ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और आई क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है भाई चलो। इतना लिखो तो पहले यहां से लिखना है क्या, यहीं से प्लीज, यहां पे देखेंगे यार हम लोग मीडियन का देख रहे थे कंटिन्यूअस केस, है ना, मीडियन का देख रहे थे हम लोग कंटिन्यूअस केस, और उस कंटिन्यूअस में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है जिसमें L लोअर लिमिट प्लस N अपॉन टू, N हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है, माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
प्रिसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, मल्टीप्लाइड बाय आई विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया है पूरा प्रॉपर, और यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जैसे ही हम लोग को पता चल गया मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले और यहाँ पे ये भी पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फटाफट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 5, 5 और 8, 13, 13 और 10, 23, 23, 6, 29, 29 और 3, 32, ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ठीक। अब यार बहुत बार बार ये चीजें होती है कि यार मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकाली कैसे, ठीक है, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको करना क्या है, मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास, ठीक है, मेरे को मीडियन क्लास सबसे पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा, जितना फ्रीक्वेंसी है होल डिवाइड बाई टू, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 32 है, डिवाइड बाई टू 16, तो 16 कहां पे ड्रॉप हो रहा है, देखो तो 23 में, तो ये जो 23 है ना, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। अब जैसे ही मेरे को पता चल गया कि ये हमारा मीडियन क्लास है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मीडियन क्लास का मेरे को चाहिए लोअर लिमिट, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। मीडियन क्लास का चाहिए मेरे को फ्रीक्वेंसी, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। हाँ, मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। हाँ, और क्या चाहिए अपने को, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, तो 30 माइनस 20, दैट इज 10, ठीक है, ये हो गया। और कुछ चाहिए, नहीं, हो गया, इतना काफी है, n / 2 ऑलरेडी हमको मिल चुका है, ठीक है। हाँ, अब हम अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में बस पुट करना है, ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 20 प्लस n / 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 16, हाँ, और ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 10 मल्टीप्लाइड बाय आई 10, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में सीधा ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, 16 माइनस 13 कितना हो रहा है, 3, ठीक है, तो सॉरी डायरेक्टली मैं 23 लिख डाला था, हाँ 20 प्लस 3, 23, ये हमारा मीडियन होगा। इजी है कि नहीं, बहुत ही चीज सुकून, ठीक है, चलो ये एग्जांपल को दिमाग में रखेंगे, इस तरीके सॉल्व किए थे हम लोग करके, प्रॉपर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है, चलो। हाँ, इसको लिखना है, अगर जो नहीं लिख रहे हैं प्लीज एक बार लिख लो फटाक से, ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना, दिमाग में बैठाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मीडियन का प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग प्लीज, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, ठीक, तो तुम लोग को मैं बोला था पहले ही कि एल्जेब्रिक सम को एकदम प्रॉपर क्लैरिफाई करके रखो, ठीक है, ठीक। हाँ, तो मीडियन की खास बात एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है, अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन। सेकेंड है एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन, ठीक है, ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट सम मतलब जो भी हमारे पास डेविएशन, जो डेविएशन आएगा फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, कहां से, मीडियन से, ठीक है, मतलब एक्स माइनस एम जो भी आएगा, है ना, वो नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, और जो पॉजिटिव रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल को एल्जेब्रिक सम याद है ये सिंपल मॉड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, तो ये एब्सोल्यूट सम ऑफ द डिविजन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीडियन, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिख दिया मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बोला मतलब कंपैरिजन की बातें हो रही है,
है, कंपैरिजन की बातें हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन किसके किसके बीच में है, मीन और मोड के बीच में। इन तीनों के बीच में अगर हम लोग क्या डेविएशन निकाले, है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन निकाले तीनों का, तो मिनिमम हमको ऑलवेज किसका मिलेगा, मीडियन का मिलेगा। समझे कि नहीं, एकदम क्लियर है? ठीक है चलो, तो ये वाला प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे, है ना। चलो ठीक है, मोड, तो मोड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर टर्म्स जो भी लिख लो, ठीक है, ये होगा आपका मोड बेसिक। ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, टू टाइप्स, हाँ दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, टू मेथड, फर्स्ट बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन देख के ही पता चल गया, ठीक है, कैसे, 522932 क्या है इसमें मोड, टू है, कैसे पता चला, देख के, मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन टू का, कोई दिक्कत की बात, चलो तो ये इस तरीके से ये बाय इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। और कैसे देख के पता चलेगा, पहला केस हो गया, दूसरा केस, एक्स है हमारे पास 529 और फ्रीक्वेंसी है 5101, क्या होगा इसमें मोड, तो कैसे पता चला, फ्रीक्वेंसीज का 10 है, सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, समझे कि नहीं मुस्कान, कोई दिक्कत की बात, चलो ठीक है, तो इससे भी पता चल गया मीडियन अपने को, ए सॉरी मोड, ठीक है चलो, तो ये बाय इंस्पेक्शन है और कुछ भी नहीं, सुकून, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले एक प्रॉपर समझ लो किसी चीज को, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे बस लिखे पढ़े, पहले कोई प्रॉपर एकदम समझ लो, लिखने का प्रॉपर मौका मिलेगा, उस बात ताबड़तोड़ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है चलो। अब हम लोग देखते हैं सीधा कंटिन्यूअस मेथड, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, नहीं 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 फॉर्मूला, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भाई फॉर्मूला मेथड, ठीक है, इंस्पेक्शन खत्म, ठीक है इतना ही था इंस्पेक्शन, ठीक, फॉर्मूला देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो ये हो जाएगा आपका मोड को जनरली किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना, एल प्लस, फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद करने का तरीका देख लो भाई, एफ एफ, दो एफ ऊपर में, तीन एफ नीचे में, एफ एफ एफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई इधर कर दो, कोई दिक्कत की बात, हाँ, 10 डिवाइडेड बाई 102, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 102, और जो सबसे पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है F1 नीचे का, है ना, डिनोमिनेटर का, ठीक है, वहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में माइनस साइन लगा दो, समझे कि नहीं, 10-20 बार इसको लिखोगे जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है चलो आगे बढ़े, ओके, तो एल क्या लिख लेते हैं अपन, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, ठीक है, हाँ, तो यहां पे जो आपका एफ जीरो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास है, और F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास है, ठीक है, एक मिनट यार, ओके चलो ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, तो याद रहेगा भाई लाइन से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, एकदम क्लियर, चलो ठीक है, आई क्या है अपने को पता है,
विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है ना, ऑफ क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इसका तुरंत हम लोग एक सुकून वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फटाक से स्पीडली, ठीक है, तो प्रॉपर इधर कर देता हूं मैं, ठीक। तो क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 to 10। अच्छा, अपन सेम क्वेश्चन ही लिए थे ऊपर वाला जो था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। और हमको जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5, 8, 10, 5, 8, 10, 6, 3, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब मैं बड़ा बार बार अपन मॉडल क्लास बोल रहे थे, लेकिन मॉडल क्लास कहीं से पता चलेगा, जिस क्लास इंटरवल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या होगा, हाँ, मॉडल क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा, उसके पहले वाला F0, हाँ, और ये F2, है ना। विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना और है, 20, हो गया, सब कुछ आ गया। हाँ, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको बाय फॉर्मूला। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा, लोअर लिमिट आपका कितना है, 20 प्लस F1 माइनस F0, तो 10 माइनस 8, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 अगेन माइनस F0 8 माइनस F, हाँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। हाँ, प्रॉपर इसको सॉल्व कर लो यार, 10 माइनस ये हो जाएगा 2, ठीक है, 20 माइनस कितना कर लें इसको, 14, कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 20, हाँ, 2 डिवाइड बाय 6 या फिर 20 डिवाइड बाय 6 डायरेक्टली कर लो और ऐड कर लो भाई, तो 23.33333, ठीक है। चलो, समझ में आया कि नहीं, एकदम सुकून है, मक्खन, चलो ठीक है, क्या बात, छाप। ओके, प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ठीक है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक, ओके, ठीक, इतना ही पढ़ना है अपने को। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आज स्टार्ट करेंगे, कल करें, कल करते हैं।